हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि हम पाइथन में एवरेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से हम ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं। धीरे धीरे हम उस तरफ की ओर कदम बढ़ा रहे हैं कि हम मार्कशीट भी डिजाइन करना सीख लेंगे। तो आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर हम लोग मार्कशीट भी डिजाइन करना सीखेंगे पाइथन पर। तो ये काम हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे बखूबी कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे हम लोगों ने कई प्रकार के सॉफ्टवेयर भी बनाए हैं जो काफी यूजफुल है। तो चलिए आइए देखते हैं कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं पाइथन में। सबसे पहले हमें पाइथन की आईडीई को ओपन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द आईडीई ऑफ पाइथन। तो आईडीई कैसे ओपन होगी, यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पी वाई प्रेस करूंगा। मेरे में पाइथन पहले से डाउनलोडेड है तो हम यहाँ पे पाइथन वाली आईडीई आ जाएगी। अब यहाँ से आईडी जो लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये आईडीई हमारी पाइथन की ओपन होने लगेगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये पाइथन ओपन हो चुका है। हम यहाँ से न्यू फाइल ले लेते हैं और यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे। तो चलिए ये कोडिंग करते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो मैं ले लेता हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर ठीक है, ये ले लिया हमने। और कंप्यूटर के बाद हमने क्या किया, पहला सब्जेक्ट तो कंप्यूटर है लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे फ्लोट डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप यूज करेंगे। और फ्लोट डेटा टाइप यूज करते समय यहाँ पर अब हम इनपुट कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कुछ भी इनपुट देने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। आप डबल इंटेड कॉमा की जगह सिंगल इंटेड कॉमा भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंटर द नंबर ऑफ कंप्यूटर, ये हमने दे दिया यहां पर ठीक है, और इसको क्लोज किया तो ये यहां पे कंप्यूटर का नंबर इनपुट हो जाएगा। फिर अब यहां पर इंग्लिश दे देते हैं और यहां पे लिखूंगा फ्लोट ठीक है। और यहां पे अब इनपुट फंक्शन का प्रयोग करेंगे हम, डबल इंटेड कॉमा या सिंगल इंटेड कॉमा में लिखेंगे एंटर द नंबर ऑफ इंग्लिश। ओके, क्या लिखेंगे, इंग्लिश। तो ये बात ध्यान रहे, एंटर द नंबर ऑफ इंग्लिश। और यहां पे दोनों पैरेंथेसिस को क्लोज भी करेंगे, पहले ओपन किया देन अब क्लोज भी कर रहा हूं। ध्यान रहे कि यहां पे इक्वल टू का साइन छूट गया है तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो यहां इक्वल टू जरूर लगाइए। अब थर्ड सब्जेक्ट जो है वो इसको यहां पे लिखेंगे हम। देखिए पाइथन में इंडेंटेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इंडेंटेशन आप अगर मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगी। अब मैं यहां पे बायो लिख लेता हूं। बायो इज इक्वल टू यहां पे ब्रैकेट नहीं रहेगा, फ्लोट। और यहां पर अब फिर इनपुट फंक्शन का यूज कर लेता हूं, इनपुट और एंटर द नंबर ऑफ बायो। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपने लिखा है कैपिटल में ठीक है, तो यहां पर भी कैपिटल में ही आपको लिखना है। जैसा आपने यहां लिखा है वैसा यहां भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगी। यहां पर देखिए मैंने गलती करी है, आप ये गलती मत करिएगा, कैपिटल लिख दीजिए यहां पे, स्मॉल नहीं बल्कि कैपिटल। तो ये कैपिटल कर दिया हमने। अब यहां पे बायो लिखना है हमें, तो बी आई ओ बायो लिख दिया हमने और क्लोज किया इसको। एंटर प्रेस किएंगे, नीचे आएंगे और यहां पर अब जो अगला सब्जेक्ट है हमारा वो आएगा फिजिक्स। तो यहां लिखता हूं फिजिक्स इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट। तो यहां दे देंगे फ्लोट, एफ एल ओ ए टी, फ्लोट में दशमलव वाली वैल्यूज आती हैं फ्लोट। अब यहां इनपुट कर देंगे और यहां पर हम एंटर द नंबर ऑफ फिजिक्स ठीक है, ये लिख दिया हमने और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब एट लास्ट यहां पे केमिस्ट्री की बात कर लेंगे। यहां लिखा केमिस्ट्री इज इक्वल टू, अब यहां पे फिर वही चीज फ्लोट और डबल इंटेड कॉमा में लिखेंगे एंटर द नंबर ऑफ केमिस्ट्री। देखिए वहां पे केमिस्ट्री जो है हमने लिखा है स्मॉल में, तो यहां भी स्मॉल में ही लिखेंगे जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही केमिस्ट्री ठीक है। और इसको क्लोज कर लीजिए आप ठीक है। इतना जब कर लेंगे आप तो यहां पर अब हमें एक और वेरिएबल बनाना होगा और उस वेरिएबल का नाम है, मैं यहां पे कर लेता हूं नंबर ऑफ स्कोर कर लेता हूं या टोटल सब्जेक्ट कर लेता हूं, यहां लिख लेता हूं टोटल
गैप नहीं देता, ऐसे लिख लेता हूं, टोटल सब्जेक्ट इज इक्वल टू 5, कुल मिला के 5 सब्जेक्ट है, तो यहाँ टोटल सब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 कर लिया हमने, ठीक है, एंटर प्रेस किया तो नीचे आ गए। अब यहां पे एवरेज लगाऊंगा, तो ए बी ई आर ए जी ई एवरेज इज इक्वल टू, यहां पे क्या करेंगे, अब इन सबको ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो यहां लिखा हमने कंप्यूटर। अब फ्लोट इसलिए लिया हमने क्योंकि दशमलव में वैल्यूज हम ले सकें, इसलिए हमने फ्लोट लिया हुआ है, तो यहाँ कंप्यूटर लिखा हमने, और यहाँ पे प्लस करेंगे, कंप्यूटर के बाद है इंग्लिश, तो यहाँ पे फिर इंग्लिश कर देंगे, और इंग्लिश के बाद है बायो, तो बायो कर देंगे यहाँ पे, और बायो के बाद है डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, और बायो के बाद है फिजिक्स, और फिजिक्स के बाद है केमिस्ट्री, ठीक है। इतना कर लेने के बाद से हमें इसको करना है यहां से क्लोज, ठीक है, और क्लोज करने के बाद क्या करना है हमें, यहां पे इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ या टोटल सब्जेक्ट से, ठीक है, हमने टोटल सब्जेक्ट ले रखा है, तो यहां टोटल सब्जेक्ट, ठीक है, इतना ही हमें करना है, और इतना कर लेने के बाद से अब क्या करना है हमें, यहां पर प्रिंट करवाना है, तो जो भी प्रिंट करवाना है यहां पर प्रिंट करवाते हैं, लिखता हूं प्रिंट, ठीक है, और एवरेज इज एवरेज, ठीक है, ये लिख दिया हमने, और यहां पर अब इसको क्लोज करेंगे, अब सेव करने की बारी है, इसको हमारा प्रोग्राम बन चुका है, और यहां से इसको सेव करते हैं पहले हम, मैं इसको औसत के नाम से सेव करता हूं, डॉट पीवाई लगाना जरूरी है, पीवाई एक्सटेंशन होती है पाइथन के फाइल की, और यहां से इसको रन करवाता हूं, तो यहां पे देखिए छूट गया है, यहां पे इनपुट लिख लेते हैं, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है, यहां देखिए फ्लोट इनपुट मैंने छोड़ दिया है, नो प्रॉब्लम, तो यहां इनपुट लिख लेते हैं हम इनपुट, ओके, तो ये कर लिया हमने, और अब इसको सेव कर देता हूं, और अब ये प्रोग्राम रन हो जाना चाहिए, कोई एरर नहीं है, अब रन हो गया ये, ठीक है, 56 कर दिया हमने, 78 किया, 56 किया, 34 किया, और 67 किया, और यहां पे देखिए एवरेज कैलकुलेट होकर आ गया। चलिए इस प्रोग्राम को एक बार और रन करवाते हैं क्या होता है, तो अभी फिर इसको हमने कंपाइल और रन करवाया, अब यहां पे देखिए 68, 89, 55, 34, 55, तो यहां पे देख सकते हैं कि ये एवरेज आ चुका है 60.2। तो इस तरीके से हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।